तारीख साज लम्हा, तारीख साज कामयाबी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ओलंपिक्स के मैदान में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। सब्ज हिलाली परचम सरबलंद। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से दमकता रहा। दिलफरेब मनाजिर, पाकिस्तानियों के दिलों पर नक्श। कौमी एथलीट ने 92.97 मीटर की तारीख साज थ्रो करके कामयाबी समेटी। ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। कौमी एथलीट हफ्ता और इतवार के दरमियान शब लाहौर पहुंचेंगे। कौम तारीखी इस्तकबाल के लिए तैयार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी के बाद अरशद नदीम की पाकिस्तानी सफारतखाने आमद। कौमी हीरो का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लोगों ने सेल्फियां बनाई। धरती का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम रब के शुक्रगुजार। कहा, कामयाबी के पीछे सख्त मेहनत, वालदैन और कौम की दुआएं हैं। पाकिस्तान में ग्राउंड ना होने की वजह से टैलेंट जाया हो रहा है। हुकूमत एथलीट्स को सहूलियात फराहम करे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरक़ वुस्ता पर जंग के बादल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी क़ुव्वत में मजीद इजाफा कर दिया। बहरी बेड़े में जदीद क्रूज मिसाइल नस्ब। मिसाइल नाकाबिल शनाख्त और ज्यादा धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। हदफ को दूर और करीब से निशाना बनाया जा सकता है। लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइल, ड्रोन और रेडार भी बहरी बेड़े में शामिल। सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर दीगर मालूमात नहीं दे सकते। हुकाम की मीडिया से गुफ्तगु। ब्राजील के शहर साओ पालो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हमले के 4 अराकीन समेत 62 अफराद जान से गए। ट्विन इंजन तैयारा जनूबी इलाके कासकवेल से साउथ पोलो जा रहा था। वीडियो में जहाज को फजा से जमीन पर गिरते देखा जा सकता है। जमीन पर गिरते ही जहाज में आग भड़क उठी। करीबी इमारतों को भी नुकसान। खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 3 मकामात पर दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज मारे गए, 3 अहलकार वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान ने जाम शहादत नोश किया। वजीर आजम का शहदा को खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सिंध में एक बार फिर गवर्नर की तब्दीली की बाजगश्त। पीपल्स पार्टी का कामरान टेसोरी को हटाने का मुतालबा। नून लीग बशीर मेमन को ओहदा देने के ख्वाहिशमंद। जियालों ने तहफुजात का इजहार कर दिया। विफाकी वजीर इत्तला'आत का इजहार लाइल्मी। समा से गुफ्तगू में अता थारण बोले, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं। तब्दीली की बातें पहले भी सुन चुका हूँ। हमेशा किसी ने नहीं रहना, कुछ ऐसा करो कि लोग याद करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम का दौरा कराची। वजीर आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात। वफाकी और सूबाई उमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह की सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने बैन अवी फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश का अफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को तिजारत में बदलेंगे। CPAC के दूसरे मरहले पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। इंसदाद पोलियो इजलास में बिल गेट्स की भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। 2025 तक मुल्क से पोलियो का खात्मा कर देंगे, शहबाज शरीफ का आज़म। इदारों के दरमियान फासला वाज़े। एक बार इदारा बार बार मदाखलत करता है। हमारी अदालतें इंसाफ दिलवाती हैं, डैम भी बनाती हैं, समोसे टमाटर के रेट भी बताती हैं। दुनिया भर में कोई जुडिशरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में गरज बरस। कहा, आईन और कानून में गुंजाइश नहीं थी, मगर PTI ने जो मांगा ही नहीं था वो भी मिल गया। अदालती फैसले ने मुर्दा पार्टी को सियासी फायदा दिया। तहरीक इंसाफ को ऐसी सीटें मिलेंगी जैसे कोई ट्रॉफी हो। अपोजिशन लीडर बताएं, क्या उनका इंतखाबी निशान मैंने छीना था? बिजली का ज्यादा बिल एक और जान ले गया। चिश्तिया की महबूब कॉलोनी में बिल ज्यादा आने पर भाई लड़ पड़े। झगड़े के बाद 30 साल शख्स ने गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। और बांग्लादेश ए टीम ढाका से बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। इवेंट 13 से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में शेड्यूल।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम दो टोक, देखते रहिए समा।